नमस्कार, केप न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ही भ्रष्टाचार की नींव, आयकर की छापेमारी में 94 करोड़ जब्त किए गए रुपयों पर बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक के पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद के भाजपा विधायक प्रभु चव्हाण ने जहीराबाद में की प्रेस मीट, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए विशेष निर्देश। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी भाजपा में शामिल, सम्राट बोले अपराधियों का गया में पिंडदान करेंगे। कांग्रेस पांचों राज्यों में जीतेगी विधानसभा चुनाव से पहले, मिजोरम में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की नजर, घोषणा पत्र में लगाई वादों की झड़ी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार की सौतेली नीति के खिलाफ अतिथि व्याख्याता संघ द्वारा 19 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया गया। इस संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार प्रथम श्रेणी कॉलेज अतिथि व्याख्याता संघ जिला इकाई बीदर ने 16 अक्टूबर को माणिक नगर में माणिक प्रभु मंदिर में एक बैठक की। कर्नाटक राज्य में 80% व्याख्याता डिग्री कॉलेज अतिथि व्याख्याताओं की सेवाओं के आधार पर चल रहे हैं, जबकि सरकारें अतिथि व्याख्याताओं के लिए दास बनकर काम कर रही है। न सेवा सुरक्षा है, काउंसलिंग मेरिट के माध्यम से चयनित होने के बाद भी कई अतिथि व्याख्याता अभी भी बाहर हैं। सरकार को गेस्ट लेक्चरर्स को 12 महीने का वेतन देना चाहिए, उपलब्ध सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में इस गुरुवार 19 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे बीदर जिले में बड़े पैमाने पर हड़ताल की जा रही है। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार एम सिंधे ने अनुरोध किया है कि बीदर जिले के सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालयों के सभी गेस्ट लेक्चरर इस संघर्ष में भाग लें। चितगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। बीदर सभेयु अर्थपूर्णवागि अतिथि उपन्यासकर बेकु बेडिकेगळन्न संपूर्णवागि नप्पंद्रे सरकारवु निर्लक्ष्य माड्ता इदे, अदर विरुद्ध नप्पंद्रे होराटवन्न माडबेकु अंतकंत विषयन इट्कोंडु इवत्तु ओंदु सभे एनप्पंद्रे यशस्वीपूर्वकवागि जरुगितु। ईग सभेयल्लि निर्णय कैगोंडिरतक्कंत निर्णयगळु अतिथि उपन्यासकरन्न एनु वर्कलोड अन्न तोरिसि सरकारगळु सुमारु ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೆರಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಇನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ। कर्नाटक में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर 94 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वसूले गए रुपयों को लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पैसा मिला है वो भाजपा नेताओं से जुड़ा हुआ है, इसका कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि पूरा भ्रष्टाचार भाजपा का ही है, वही भ्रष्टाचार की नींव है, इसलिए कर्नाटक की जनता ने उसे उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि जो पैसा मिला है वो भाजपा नेताओं से जुड़ा हुआ है, इसका कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में एक ठेकेदार, उसके बेटे, एक व्यायामशाला प्रशिक्षक और एक वास्तुकार सहित कई लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी सोमवार तक जारी रही थी। इसके बाद सीबीडीटी ने बयान जारी कर बताया था कि विभाग ने कर्नाटक और कुछ अन्य जगहों पर सरकारी ठेकेदारों के साथ कुछ और लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी। इसके बाद 94 करोड़ रूपये नकद, 8 करोड़ रूपये के आभूषण और 30 महंगी घड़ियां जब्त की गई थी। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में कर्नाटक राज्य के पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद के भाजपा विधायक प्रभु चव्हाण ने जहीराबाद बसवेश मंदिर में प्रेस मीट की। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि घर घर जाकर बीजेपी के काम को बताएं। उन्होंने कहा कि केसीआर को हटाओ तेलंगाना को बचाओ, केसीआर को हटाओ किसानों को बचाओ, केसीआर को हटाओ शिक्षा बचाओ, और कहा कि केसीआर ने तेलंगाना की जनता को सिर्फ शराब ही दी है और 2018 में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। प्रभु चव्हाण ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को खराब कर रही है, बीजेपी ने देश में विकास किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस अवसर पर जिला प्रभारी रंगारेड्डी, दिल्ली वसंत, जयपाल रेड्डी, जिला प्रवक्ता सुधीर कुमार, संसद संयोजक रवि कुमार, महिला मोर्चा विधानसभा संयोजक ज्योति पंडाल और पार्टी नेता उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। అప్పట్లో ఆర్మీ దిశ బాగారెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినారు, చెరుకు ఫ్యాక్టరీ బాగారెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినారు, మిర్జాపూర్లోని సిజీ కాలేజ్ బాగారెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎటువంటి అభివృద్ధి అయినా కానీ రోడ్లు కానీ మంచినీటి వసతి కానీ
ఎలక్ట్రిసిటీ గాని అనేక అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చెరువులు కట్టించడం కానీ ఇక్కడ స్వర్గం బాగానే కాలంలోనే జరిగినాయి. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎటువంటి అభివృద్ధి కూడా జైనాబాద్ ప్రాంతం దోచుకోలేదు. మరి ఈ కేసీఆర్ పాలన ఒకవైపు ఇంకో వైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా చూస్తా ఉందా? నిన్న వాళ్ళు టికెట్లు ఏ విధంగా అమ్ముకుంటున్నారో స్వయాన రాష్ట్ర అధ్యక్షుని మీద ఎవరైతే టికెట్ రాలేదో వాళ్ళందరూ కూడా ఏ విధంగా డబ్బులతోని इस बार परिवर्तन होने जा रहा है और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. लोगों को परिवर्तन चाहिए. जब से तेलंगाना प्रारंभ हुआ है जिसे आज तक महाजनता ने बीजेपी को अभी तक आशीर्वाद नहीं किया है, तो इस बार जो देश का जीडीपी, देश का विकास, इसमें ध्यान देते हुए डबल इंजन की सरकार, तेलंगाना का विकास, तेलंगाना की अभिवृद्धि, इसीलिए हमारे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित मिलन समारोह में राजद, जदयू और भाकपा मेले के माले के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए. इनके साथ ही सिवान के पत्रकार स्वर्गीय राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इन सभी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी का हिस्सा बनने पर स्वागत किया. सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि अब बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और बिहार के अपराधियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सिवान के इलाके में महागठबंधन के लोगों ने जो पाप किया है उस इलाके में बीजेपी लड़ाई लड़ती रहेगी. सम्राट चौधरी ने कहा कि जनसंघ और बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को 2 बार, लालू प्रसाद को पहली बार और नीतीश कुमार को 5 बार कंधे पर बिठाकर सीएम बनाया, लेकिन अब भाजपा किसी अन्य पार्टी के नेता को कंधे पर नहीं बिठाएगी बल्कि सहयोगी बनाएगी. उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा. यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482127. आपकी अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में. जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका. एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीआरएस टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, पावर्ड बाय विंटेज रिट्रीट, भाग्यवंती डेवलपर्स,
मीडिया पार्टनर केप न्यूज 24/7, स्पॉन्सर्ड बाय 5-स्टार होटल एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट टू सरबजीत सिंह ऑन 7019101467 एंड विशांत सिंह 9148295952 एंड राहुल 8123969221। तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को जिना फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी इन सभी राज्यों में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को नोट करके रख लो, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में जीत हासिल करने जा रही है। मिजोरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के लिए काम करती है। राजस्थान में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा नीति है, कर्नाटक एक अतुलनीय सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जबकि छत्तीसगढ़ मजबूत नीतियों के साथ उद्यमियों का समर्थन करता है। हम मध्य प्रदेश में भ्रष्ट बीजेपी सरकार को हटा देंगे और हमारी 6 गारंटी तेलंगाना में भारी जीत सुनिश्चित करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और राज्य की एक आईपीएल टीम बनाने सहित कई वादे किए गए। राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने 106 पन्नों के घोषणा पत्र में 59 वादों को सूचीबद्ध किया है। इसमें किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए आश्वासन शामिल है। कमलनाथ ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि हम सभी लोगों के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेंगे, जिसमें 10 लाख रुपए का दुर्घटना कवर भी होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की एक इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल टीम भी होगी। कमलनाथ ने 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने और महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने, स्कूली शिक्षा मुफ्त करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और युवाओं को 2 साल तक 1500 रुपए से 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा के टाइप 7 सरकारी बंगले के आवंटन वाले आदेश को रद्द कर दिया है। राघव चड्ढा ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आप नेता राघव चड्ढा ने अपनी सुरक्षा और आतंकी धमकियों का हवाला देते हुए निचली अदालत का आदेश रद्द करने की मांग की थी। चुनाव में टिकट न मिलने से नेताओं के नाराज होने का सिलसिला चल पड़ता है। कुछ रूठ जाते हैं तो कुछ मान भी जाते हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जब कांग्रेस के कुछ नेताओं के टिकट कटे तो वो नाराज हो गए और अपनी शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ तक पहुंचाई। कमलनाथ ने धैर्य के साथ शिकायतों को सुना और कटु जवाब दिए। मामला कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का है। रघुवंशी ने हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन अंतिम समय में जब कांग्रेस से टिकट नहीं दिया तो उनके समर्थक भिड़ गए। जब उन्होंने शिकायत की तो कमलनाथ ने कहा कि बेहतर होगा कि आप लोग दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक भोपाल स्थित कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे और अपने नेता को शिवपुरी से टिकट देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान जो बातचीत हुई थी उसे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसे बीजेपी के नेता वायरल कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी को भेजी है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी महुआ मोइत्रा को लेकर निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष को लिखी थी। बीजेपी एमपी के आरोपों और एक वकील की सीबीआई को शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि महुआ के सवालों की भाषा कारोबारी हीरा नंदानी की भाषा से मिलती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में दुबे का आरोप है कि महुआ मोइत्रा को सदन में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी से गिफ्ट और कैश मिला। यहां रुक रिकॉर्ड, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। आपकी अपने शहर बीदर में आयोजित हो रहा है सबसे बड़ा डांडिया फेस्टिवल 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल में। जहां होगी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और साथ ही स्वादिष्ट फूड का जायका। एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीआरएस टीम एंड सरबजीत इवेंट्स, पावर्ड बाय विंटेज रिट्रीट, भाग्यवंती डेवलपर्स, मीडिया पार्टनर केपी न्यूज 24/7, स्पॉन्सर्ड बाय 5-स्टार होटल। एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट टू सरबजीत सिंह ऑन 7019101467 एंड विशांत सिंह 9148295952 एंड राहुल 8123969221। तो फटाफट से आप भी तैयार हो जाइए और जल्द से जल्द अपने पासेस लेकर पहुंच जाइए 18 अक्टूबर को झिरा फंक्शन हॉल, जहां पर हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पंजाब सरकार कल यानी 18 अक्टूबर से नशा विरोधी मुहिम चलाने जा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए सुबह 11 बजे हरमिंदर साहिब में 35,000 बच्चों के साथ अरदास करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2024 तक नशा मुक्त पंजाब बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अमृतसर पुलिस को द होप इनिशिएटिव नाम की एक पहल सौंपी है। भारत में महंगे आईफोन को स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है और आम लोग इस फोन पर इतना खर्च नहीं कर सकते। हालांकि आईफोन के अलग अलग सीरीज यूजर्स को अपनी ओर हमेशा से आकर्षित करती आई है। इसको खरीदने पर कई मीम्स में दिखाया जाता है कि लोग किडनी बेचकर ये फोन खरीद रहे हैं। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किंग नाम के एक इंस्टाग्राम चैनल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स भिखारी की वेशभूषा में आईफोन 15 खरीदने पहुंचता है और उसका पेमेंट वो बोरे में भरे सिक्कों से करता है। ये वीडियो जोधपुर में एक मोबाइल शोरूम का है। शख्स की वेशभूषा देखकर कुछ मोबाइल स्टोर ने उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। कई स्टोर ने उसके फटे कपड़ों के कारण सिक्के से भरी बोरे लेने से इनकार कर दिया। हालांकि अंत में एक दुकान शख्स के पेमेंट मोड को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। इसके बाद शख्स को फर्श पर बोरी खाली करते देखा गया। दुकानदार और उसका स्टाफ वीडियो में सिक्के गिनते हुए दिख रहा है। इसके बाद भिखारी आईफोन प्रो मैक्स लेता है, उसकी जांच करता है और उसके साथ पोज देता है। वो दुकान के मालिक के साथ भी एक तस्वीर लेता है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा ही भ्रष्टाचार की नींव, आयकर की छापेमारी में 94 करोड़ जब्त किए गए रुपयों पर बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक के पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद के भाजपा विधायक प्रभु चव्हाण ने जहीराबाद में की प्रेस मीट, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए विशेष निर्देश। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी भाजपा में शामिल, सम्राट बोले अपराधियों का गया में पिंडदान करेंगे। कांग्रेस पांचों राज्यों में जीतेगी विधानसभा चुनाव से पहले, मिजोरम में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की नजर, घोषणा पत्र में लगाई वादों की झड़ी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।